इफिसियों, इसमें हम देखेंगे मसीह में पृथ्वी पर एक स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें, पवित्र आत्मा और प्रकाशन, जी उठने की सामर्थ, पृथ्वी पर स्वर्गीय जीवन, मसीह की देह में एकता, मसीह की देह में उन्नति, घर के संबंध, आत्मिक युद्ध। इफिसियों शायद पौलुस द्वारा लिखी गई सबसे आत्मिक पत्री है और ये इस बात का संकेत है कि इफिसुस की कलीसिया उस समय एक बहुत आत्मिक अवस्था में थी। वो एक बहुत ही अच्छी कलीसिया थी। पौलुस को उसमें किसी तरह का सुधार करने की जरूरत नहीं थी। गलातियों के मसीहों के लिए उसे ये कहते हुए बहुत कठोर भाषा इस्तेमाल करनी पड़ी थी, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, और इस तरह के दूसरे शब्द। लेकिन इफिसियों के मसीहों में उसे कुछ सुधारने की जरूरत नहीं थी। वह एक अद्भुत कलीसिया थी, इसलिए वह उनके साथ जो बातें बांट सका वह दूसरी किसी कलीसिया के साथ नहीं बांट सका था। कुरिन्थियों के मसीहों से उसने कहा, मैं तुम्हें केवल दूध ही पिला सका, लेकिन इफिसियों के साथ वो गहरे सत्य बांट सका था। हम सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति के अनुपात में ही ग्रहण कर सकते हैं। एक बच्चा ठोस भोजन नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे चबा नहीं सकता। अगर हम एक ज्यादा लंबे समय तक बच्चों की तरह रहेंगे तो हमें एक ज्यादा समय तक दूध ही पीते रहना होगा। ज्यादातर विश्वासियों की यही दशा है। वे कभी परमेश्वर की गहरी बातों में नहीं जा पाते। वे अपने पाप क्षमा हो जाने से ही संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को पापों की क्षमा तक लाने को ही अपना पूरा काम समझते हैं। अगर परमेश्वर की यही योजना है तो नई वाचा के अधिकांश भाग को अनावश्यक मानकर फेंका जा सकता है। फिर नई वाचा में इतनी ज्यादा शिक्षा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ पापों की क्षमा पर ही रुक जाए। वो ये नहीं चाहता कि हम नया जन्म पाने के बाद फिर दूध पीते हुए ही अपना पूरा जीवन बिता दे। वह चाहता है कि हम बड़े होकर परिपक्व हो जाए। हम परिपक्वता में जितना ज्यादा बढ़ेंगे, दूसरों के सामने हमारी साक्षी उतनी ही ज्यादा प्रभावी होगी। परमेश्वर सिर्फ लोगों को स्वर्ग में ले जाने का कार्यक्रम नहीं चला रहा है, वह इस पृथ्वी पर मसीह के लिए एक सामर्थ्य साक्षी तैयार करने का काम कर रहा है। मसीही घरों में और सभी स्थानों की स्थानिक कलीसियाओं में। इस वजह से ही यीशु ने यह कहा था कि हमें सभी जातियों के लोगों को शिष्य बनाना है और जो आज्ञाएं उसने दी है उनका पालन करना सिखाना है। मत्ती 28:20। इफिसियों में पौलुस विश्वव्यापी कलीसिया की बात करता है। जब हम विश्वव्यापी कलीसिया का सिद्धांत समझ जाते हैं तब हम ये भी देख पाते हैं कि एक स्थानिक कलीसिया कैसी होनी चाहिए। इफिसियों की पत्री पृथ्वी पर एक स्वर्गीय जीवन जीने के बारे में है। एक कलीसिया और एक मसीही पृथ्वी पर अपना काम तभी पूरा कर सकेंगे जब उनके मन स्वर्गीय बातों में लगे होंगे। आपका मन जितना ज्यादा स्वर्गीय बातों पर लगा होगा, आप अपने लिए पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्य को उतना ही ज्यादा पूरा कर सकेंगे। और आपका मन जितना ज्यादा पृथ्वी की बातों पर लगा होगा, तो चाहे आप ये कहने वाले भी क्यों ना हो कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, आप पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने में उतने ही निकम्मे होंगे। आपका घर परमेश्वर के लिए उसका काम सिर्फ तभी पूरा कर सकेगा जब वह स्वर्गीय स्थानों की ओर देख रहा होगा। प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है, जैसे पृथ्वी पर आकाश है वैसे ही पृथ्वी पर तेरे दिन हो। व्यवस्था विवरण 11:21। KJV, ये पुरानी वाचा में संभव नहीं था, लेकिन इफिसियों के पत्री हमें बताती है कि हम नई वाचा में इस तरह कैसे जी सकते हैं। मसीह में इफिसियों में ये अभिव्यक्ति
मसीह में या उसमें बार बार नजर आती है। मसीह के बाहरी सेवकाई एक ऐसी बात है जिसके बारे में कोई भी सुसमाचारों में पढ़ सकता है। वह गरीबों की देखभाल करता था, वह कोढ़ियों को छूता था, वह बीमारों को चंगा करता था, वह सुसमाचार प्रचार करता था आदि। सभी धर्मों के लोग यीशु की बाहरी सेवकाई की प्रशंसा करते हैं और उनमें से कुछ लोग तो इन क्षेत्रों में उसकी नकल करने की भी कोशिश करते हैं। वह मानवीय दृष्टि में सराहनीय है जिससे एक व्यक्ति लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन इफिसियों की पत्री मसीह में होने की बात करती है। पौलुस यहाँ भीतरी जीवन की बात करता है। अगर आप मसीह में हुए बिना यीशु के बाहरी जीवन का अनुकरण करेंगे तो आपका उद्धार भी नहीं होगा। आप मनुष्यों के बीच आदर पाने के लिए यीशु की नकल कर सकते हैं, लेकिन सच्ची आत्मिकता मसीह में होने से और मसीह में होते हुए उसके भीतरी मूल्यों और भीतरी उद्देश्यों को देखने से आती है। यीशु का जीवन पहले हमारे भीतर आना चाहिए और फिर भीतर से बाहर प्रकट होना चाहिए। जब हमने मिलाप वाले तंबू का अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि परमेश्वर ने उसके निर्माण की शुरुआत बाहरी तरफ से शुरू नहीं की थी, जो पर्दों से बनी हुई थी। उसने उसकी शुरुआत उसके बीच में से की थी, महापवित्र स्थान में वाचा के संदूक से। परमेश्वर का हमेशा यही तरीका होता है। हम एक व्यक्ति के रूप में और एक कलीसिया के रूप में परमेश्वर के रहने का स्थान है, और जब परमेश्वर अपने रहने का स्थान बनाता है तो वह भीतर से शुरू करता है, आपकी आत्मा में से। इस छोटी पत्री में शब्द मैं का उल्लेख 89 बार हुआ है, कृपा का उल्लेख 13 बार हुआ है और आत्मिक का उल्लेख भी 13 बार किया गया है। इफिसियों की पत्री भौतिक संपन्नता की नहीं, आत्मिक संपन्नता की बात करती है। ये व्यवस्था के नहीं, कृपा के बारे में है। इसकी शुरुआत हमारे मसीह में भीतरी जीवन से होती है और फिर हमारे बाहरी आचरण की तरफ बढ़ती है। अगर आप इफिसियों का अध्ययन करते समय इस बात पर ध्यान देंगे तो आप यह समझ सकेंगे कि पृथ्वी पर एक स्वर्गीय जीवन जीने का क्या अर्थ होता है। इसलिए इफिसियों का आरंभ स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों से होता है। 1:3 इफिसियों की पत्री बड़े सफाई से दो भागों में बटी हुई है। पहले 3 अध्याय विश्वासियों के तौर पर मसीह में हमारी अवस्था के बारे में बताते हैं। फिर अगले 3 अध्याय हमें ये बताते हैं कि मसीह में हमारी अवस्था में से हमें पृथ्वी पर कैसे रहना है और शैतान से कैसे लड़ना है। ये एक इमारत की तरह है जिसकी एक बुनियाद है और एक ढांचा है। पहले 3 अध्याय में बुनियाद है और दूसरे 3 अध्याय में ढांचा है। मसीह में इस बुनियाद के बिना अगर आप ढांचा बनाने की कोशिश करेंगे तो आप उन गैर मसीहों की तरह बन जाएंगे जो यीशु के जीवन की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हमें उसके पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं को मानना चाहिए। बहुत से धार्मिक लोगों ने पहाड़ी उपदेश को मानने की कोशिश की और दूसरों के प्रति दयालु और भले होने का प्रयास किया है। उन्होंने बुनियाद के बिना ही ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है। वे मसीही जिनमें परख नहीं है ऐसे व्यक्ति की मसीह समान होने के लिए प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन वे अंधे हैं। एक घर जिसकी बुनियाद नहीं है बाढ़ आने पर बह जाएगा। ऐसे लोगों की प्रशंसा करने में एक खतरा ये है कि आप भी उन्हीं के समान बन सकते हैं। आप अपना पूरा जीवन सामाजिक काम करते हुए या गरीबों, कोढ़ियों और विधवाओं आदि की देखभाल करते हुए गुजार सकते हैं और इसके लिए मनुष्यों का आदर सम्मान पा सकते हैं। लेकिन अगर आप मसीह में नहीं हैं, तो आप परमेश्वर द्वारा अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ये वह असली खतरा है जिसका सामना हम आज मसीही जगत में कर रहे हैं।
इफिसियों में जो हम एक और बात देखते हैं वो ये है कि पहले तीन अध्यायों में कोई उपदेश या आज्ञा नहीं है। इस अध्याय में हमसे कुछ करने के लिए नहीं कहा गया है। इनमें हमें सिर्फ वह बताया गया है जो हमारे लिए परमेश्वर ने किया है। दूसरी ओर अध्याय 4-6 उपदेशों से भरे हुए हैं। हमारे मसीही जीवन में भी यही संतुलन होना चाहिए। हमें पहले उन बातों में जकड़े जाना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए और हम में की है, फिर हम उन बातों में आगे बढ़ सकते हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा करता है। अगर परमेश्वर ने पहले हम में कुछ काम नहीं किया है तो वह हमारे द्वारा भी कोई काम नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है तो वह हमारा स्वयं खुदी में होकर मसीह की नकल करने की कोशिश करना होगा। हम एक सहज जीवन शैली बनाने और गरीबों की देखभाल आदि करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वह बाहरी और खोखला होगा। इस वजह से ही इफिसियों की पत्री मसीह में होने पर जोर देती है। बहुत से धर्मों के लोग मसीह की प्रशंसा करते हैं, पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 5-7 और इसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। वे बहुत से भले काम भी करते हैं, लेकिन वे पहले मसीह में नहीं आए हैं। इसलिए उनके सभी कामों में से परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। वे सिर्फ मसीह की नकल करने की कोशिश करते हैं। ये एक आग के चित्र की तरह है। एक कलाकार आग का एक ऐसा चित्र बना सकता है जो दूर से बिल्कुल असली आग जैसा ही नजर आ सकता है, लेकिन वो कोई प्रकाश और गर्माहट नहीं देता। अगर हम में परख नहीं है तो हम मसीह की नकल करने की कोशिश करने वालों से आसानी से धोखा खा सकते हैं। मसीह की नकल करने से एक व्यक्ति को इस संसार में बहुत आदर सम्मान मिल सकता है, लेकिन वह उसे अनंत जीवन नहीं दे सकता है। अनंत जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति के लिए मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जानना जरूरी है। परमेश्वर के लिए सच्ची सेवा हमेशा एक व्यक्ति के भीतर से ही आती है। यीशु ने कहा, प्याले को पहले भीतर से साफ करो, बाहर से तो वह अपने आप साफ हो जाएगा। पहाड़ी उपदेश में उसने मुख्य तौर पर इसी बात पर जोर दिया था। सिर्फ व्यभिचार से बचना काफी नहीं है, एक व्यक्ति के भीतर स्त्रियों के लिए लालसा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपनी जीभ को वश में रखना काफी नहीं है, मुख में से वही बाहर निकलता है जो अंदर हृदय में भरा होता है। इसलिए हृदय में गंदगी भरी है तो अपनी जीभ को वश में रखने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। लापरवाही के किसी भी क्षण में आपके हृदय की सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4:23। स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष। अध्याय 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। ये ध्यान दे कि ये सारी आशीषें भौतिक नहीं, आत्मिक है। भौतिक आशीषें वे थी जिनकी प्रतिज्ञा पुरानी वाचा में इज़राइलियों से की गई थी। हम उसके बारे में व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ सकते हैं। यही वो फर्क है जो मसीह द्वारा आने वाली कृपा और मूसा द्वारा आने वाली व्यवस्था के बीच में है। अगर पुरानी वाचा में ऐसा कोई पद होता तो वो इस तरह पढ़ा जाता, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर हमारा पिता नहीं, धन्य हो, जिसने हमें मूसा में पृथ्वी के स्थानों में सभी भौतिक आशीषों से आशीषित किया है। इसलिए ऐसे विश्वासी जो मुख्य तौर पर शारीरिक चंगाई और भौतिक आशीष चाहते हैं, वास्तव में पुरानी वाचा में लौट जाते हैं। ऐसे विश्वासी असल में मसीही नहीं,
इजरायली है, वे मसीह के नहीं मूसा के शिष्य है। तब क्या इसका आज ये अर्थ है कि परमेश्वर विश्वासियों को भौतिक रूप में आशीषित नहीं करता? वो करता है, लेकिन एक अलग तरीके से। जब वे उसके राज्य और उसके सच्चे धार्मिकता की खोज करते हैं, तो उनकी पृथ्वी पर सारी जरूरतें उनके लिए पूरी की जाती है। पुरानी वाचा में लोग सिर्फ इन सांसारिक वस्तुओं की ही खोज में रहते थे और उन्हें ये सब भरपूरी से मिलती थी। अनेक बच्चे, बड़ी जमीन जायदाद, बहुत सा धन, शत्रुओं पर जय और पृथ्वी पर बहुत सी पद प्रतिष्ठा आदि। लेकिन नई वाचा में हम आत्मिक आशीष चाहते हैं, आत्मिक बच्चे, आत्मिक धन, आत्मिक सम्मान, आत्मिक जय। फिलिस्तियों या मनुष्यों पर नहीं, शरीर और शैतान पर। हमारी सांसारिक जरूरतें, जैसे कि वह स्वास्थ्य और धन, जिनकी हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जरूरत होती है, हमारे साथ जोड़ दिए जाते हैं। परमेश्वर हमें उतना ही धन देगा जितना वह जानता है कि हमें बर्बाद नहीं होने देगा। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने कुछ लोगों को अरबपति बना दिया होगा, लेकिन वह आज हमारे लिए ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह धन हमें फिर ऊपर स्वर्ग की ओर देखने से रोक सकता है और इस तरह हमें बर्बाद कर सकता है। बहुत से विश्वासियों को पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का फर्क समझ नहीं आया है। इस वजह से ही वे अब भी उन वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पुरानी वाचा में की थी। जो लोग बाइबल में से संपन्नता के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वे उसमें से अपने मतलब की बातें ले लेते हैं। जैसे पुरानी वाचा में व्यवस्था विवरण 28:11 के अनुसार, परमेश्वर ने इसराइलियों को बहुत से धन और बहुत से बच्चों की आशीष दी थी, लेकिन ये प्रचारक दूसरे भाग का प्रचार नहीं करते। ये बात उनमें ईमानदारी की कमी होना साबित करती है। मैंने संपन्नता के सुसमाचार का प्रचार करने वाले किसी प्रचारक को ये प्रचार करते नहीं सुना कि परमेश्वर अपने लोगों को बहुत से बच्चों की भी आशीष देगा। ये सच्चाई ही ये साबित करती है कि वे अव्वल दर्जे के धोखेबाज हैं। वे अपनी विशाल धन संपत्ति न्यायोचित ठहराने के लिए, जो वास्तव में गरीब लोगों से इकट्ठा किया हुआ धन है, पुरानी वाचा के एक अप्रासंगिक पद का उल्लेख करते हैं। ऐसे प्रचारकों के धोखे में न फंसे। 1:3 में लिखे शब्द आत्मिक आशीष का अनुवाद पवित्र आत्मा की आशीष भी किया जा सकता है। परमेश्वर ने हमें पहले ही मसीह में पवित्र आत्मा की हर एक आशीष दे दी है। हमें सिर्फ यीशु के नाम में उन पर हमारा अधिकार होने का दावा करना है। ऐसी कल्पना करें कि एक मार्ग के किनारे एक लड़की बैठकर भीख मांग रही है। उस मार्ग से धनवान राजकुमार आता है और उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट करता है और बैंक में खाता खोलकर उस लड़की के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर देता है। अब वह उस खाते में से जब और जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकती है। वह कितनी सौभाग्यशाली है। एक समय उसके पास एक डिब्बे में कुछ सिक्कों के अलावा कुछ नहीं था। अब उसकी एक वैभवी जीवन शैली है और वह सुंदर और उत्तम कपड़ों से सजी रहती है। वह बैंक में से जितना चाहे उतना धन निकाल सकती है, क्योंकि उसके पास राजकुमार के दिए हुए बहुत से खाली चेक है। आत्मिक रीति से देखा जाए तो ये हमारा ही चित्रण है। अब हम स्वर्ग के बैंक में जाकर पवित्र आत्मा की हर एक आशीष पर हमारा अधिकार होने का दावा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वे सब हमारी है। अगर हम उसके साथ इस वैवाहिक संबंध में बने रह सके और उससे ये कह सके, प्रभु, मैं पृथ्वी पर अपने पूरे जीवन भर तेरी दुल्हन के रूप में तेरे प्रति सच्चा रहना चाहता हूं, तो मसीह में स्वर्ग का सब कुछ हमारा है। फिर पवित्र आत्मा की हर एक आशीष हमारी होगी।
हम परमेश्वर को यह स्वीकार करवाने की कोशिश नहीं कर सकते कि हम इनमें से एक आशीष के भी लायक है, क्योंकि हम उनमें से एक के भी लायक नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो भिखारी लड़की ये कल्पना कर रही होगी कि जो धन उसे यूं ही मिल गया था वो उसके लायक थी? वह ऐसी कल्पना कभी नहीं कर सकती। हम जो कुछ भी पाते हैं वो परमेश्वर की दया और कृपा द्वारा पाते हैं। हम स्वर्ग का सब कुछ ले सकते हैं, क्योंकि वह सब हमें मसीह में सेंत में दिया गया है। हम अपने उपास और प्रार्थना द्वारा उसे अर्जित नहीं कर सकते। बहुत से लोग पवित्र आत्मा की आशीषें ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वे इन तरीकों से उन्हें अर्जित करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें इस तरह नहीं पा सकते। हम उन्हें सिर्फ मसीह की योग्यता के आधार पर ही पा सकते हैं। मुझे याद है कि जब मैं अपनी कुछ सांसारिक जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब प्रभु ने मुझे ये पाठ कैसे सिखाया था। मैंने कहा, प्रभु, मैंने कितने सालों तक तेरी सेवा की है, इसलिए तू मेरे लिए ये कर। प्रभु ने कहा, नहीं, अगर तू अपने नाम में आएगा तो मैं नहीं करूंगा। उस दिन मुझे ये समझ आया कि ईशु के नाम में मांगने का क्या अर्थ होता है। उस दिन मुझे ये समझ आया कि एक नया विश्वासी जिसने अभी अभी मन फिराया है, और मैं जो 1959 से मन फिराए हुए हूँ, हम दोनों परमेश्वर के पास बस एक ही आधार पर आ सकते हैं, सिर्फ ईशु मसीह की योग्यता के आधार पर। नए विश्वासी को स्वर्ग के बैंक में ईशु मसीह के हस्ताक्षर वाला चेक लेकर आना है, और मुझे भी वहाँ सिर्फ ईशु मसीह के हस्ताक्षर वाला चेक ही लेकर आना है। अगर मैं परमेश्वर के पास आकर ये कहता हूँ कि मैं इतने सालों तक उसके प्रति विश्वास योग्य रहा हूँ, तो मैं स्वर्ग के बैंक में अपने हस्ताक्षर वाला चेक लेकर आ रहा हूँ, तो स्वर्ग का बैंक उसे अस्वीकार कर देगा। इस वजह से ही हमारी अनेक प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। हम ईशु के नहीं बल्कि अपने नाम में जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए इतना सब कुछ बलिदान किया है, इसलिए उसे हमें जवाब देना चाहिए। अगर हम 70 साल से विश्वास योग्य रहे हो, तब भी परमेश्वर के सम्मुख हम सिर्फ एक नए मन फिराए हुए विश्वासी की तरह ही आ सकते हैं ईशु के नाम में। उस प्रकाशन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं परमेश्वर के पास कभी मेरे नाम के हस्ताक्षर वाला चेक लेकर नहीं गया। जब मैं ऐसा करने की परीक्षा में पड़ता हूँ, तो मैं कहता हूँ, उस चेक का कभी भुगतान नहीं होगा। मुझे ईशु के नाम में और सिर्फ उसकी योग्यता के आधार पर जाना होगा। अध्याय 1:4 कहता है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह में चुन लिया था। परमेश्वर ने हमें जगत की रचना से बहुत पहले चुन लिया था, उत्पत्ति 1:1 से बहुत पहले। हमने पहले देखा था कि कैसे यूहन्ना 1:1 उत्पत्ति 1:1 से पहले आता है। यूहन्ना 1:1 कहता है, आदि में वचन था, और वचन ईशु परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। ये अनादि आदि से पहले के अनंत के बारे में है। क्रमानुसार बाइबल का अगला पद उत्पत्ति 1:1 नहीं, इफिसियों 1:3 है, और वह भी अनादि के बारे में है। ये समझ लेना एक अद्भुत बात है कि हम जो मसीह में हैं, आकाश और पृथ्वी के रचे जाने से पहले ही परमेश्वर के मन में थे। इससे पहले कि परमेश्वर ने कुछ रचा, हमारे नाम उसके मन में, उसके जीवन की पुस्तक में थे। इस वजह से ही हमें कभी निरुत्साहित होने की जरूरत नहीं होती। हम परमेश्वर के लिए विशेष हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आप एक ऐसे निकम्मे व्यक्ति हैं जो किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर आप नया जन्म पाए हुए हैं,
तो आपका नाम उत्पत्ति 1:1 से भी पहले परमेश्वर के मन में था। इस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में जाने के लिए नहीं चुना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादातर प्रचार हमारे मरने के बाद स्वर्ग में जाने के बारे में ही होता है। बाइबल में ऐसा एक भी पद नहीं है जो ये कहता हो कि परमेश्वर ने हमारे मरने के बाद हमें स्वर्ग में जाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि स्वर्ग जाने से पहले हम पृथ्वी पर एक पवित्र और निर्दोष जीवन व्यतीत करें। बहुत से स्तुति आराधना गीत हमारे मरने के बाद स्वर्ग में जाने के बारे में है, लेकिन हम ऐसे स्तुति आराधना के गीत कम ही सुनते हैं जो परमेश्वर द्वारा हमें पवित्र और निर्दोष करने के लिए चुनने के बारे में हो। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अध्याय 1-3 बुनियाद है। बुनियाद में लगा ऐसा एक भी पत्थर नहीं है जो ये कहता हो हम इसलिए चुने गए हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाए। बुनियाद में लगे पत्थर पर लिखा है, परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष हो। अगर एक इमारत की बुनियाद कमजोर हो तो वो इमारत ढह जाएगी। अगर आपके मसीही विश्वास की बुनियाद कमजोर होगी तो आपका मसीही जीवन ढह जाएगा। बहुत से मसीहों की इफिसियो अध्याय 1-3 की मजबूत बुनियाद नहीं है और इस वजह से ही वे अपने जीवन में बाद में गिर जाते हैं। अगर एक इमारत के चौथी मंजिल में एक दरार पड़ जाए तो ज्यादा संभावना यही है कि उसकी वजह बुनियाद का कमजोर होना है। फिर भी ऐसे दूसरी इमारतें हैं जो 100 मंजिल की हैं, लेकिन उनमें कोई दरार नहीं पड़ी है क्योंकि उनकी बुनियाद गहरी और मजबूत है। मसीह जीवन में भी ऐसा ही है। अगर आप नया जन्म पाने के 15 साल बाद भटक जाते हैं तो उसकी वजह यही होगी कि आपने अपना मसीही जीवन शुरू करते समय एक अच्छी बुनियाद नहीं डाली थी। ये सुनिश्चित करें कि आप परमेश्वर से शारीरिक और सांसारिक नहीं, लेकिन प्राथमिक तौर पर आत्मिक आशीषें मांगे। ये सुनिश्चित करें कि आप सांसारिक नहीं स्वर्गीय स्थानों में आशीषें चाहते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप मसीह में हैं। इस बात को समझें कि आप परमेश्वर द्वारा स्वर्ग में जाने के लिए नहीं बल्कि उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुने गए हैं। अध्याय 1:4-5 में आगे बढ़ते हैं। उसने अपने प्रेम में हमें पहले से ठहराया हुआ होना भी एक ऐसा शब्द है जिसको समझने में बहुत गलती हुई है। परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए पहले से ठहराया है? क्या वह स्वर्ग या नर्क जाने के लिए है? नहीं, वह किसी को स्वर्ग या नर्क में जाने के लिए पहले से नहीं ठहराता। यह ऐसा लिखा है, उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। उसने हमें शिशु मसीह नहीं बल्कि मसीह में परिपक्व पुत्र होने के लिए पहले से ठहराया है। आपको एक जिम्मेदार पुत्र होना है जिसकी अपने स्वर्गीय पिता के काम में दिलचस्पी है। इसलिए आपका आचरण एक ऐसे पुत्र की तरह हो जिसमें अपने पिता के काम के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास है। एक पिता के अपने 25 साल के पुत्र को दुकान में रखने और एक 4 साल के पुत्र को दुकान में रखने में क्या फर्क है? एक 4 साल के पुत्र को जैसे ही उसके दोस्त खेलने के लिए बुलाएंगे वो दुकान छोड़कर उनके साथ खेलने चला जाएगा, लेकिन एक 25 साल का पुत्र विश्वास योग्य रहकर दुकान में रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो देर रात तक भी काम करेगा। एक पुत्र और एक बच्चे में ये फर्क है। परमेश्वर की कलीसिया में कुछ ऐसे पुत्र हैं जिनमें अपनी जिम्मेदारी का जबरदस्त एहसास है। उन्हें उसकी चिंता है और वे अक्सर उसके बारे में सोचते रहते हैं।
वे वेतन के लिए काम नहीं करते, वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। कलीसिया में ऐसे बच्चे भी हैं जो कभी बड़े नहीं होते। उनकी दिलचस्पी सिर्फ मौज मजे, मनोरंजन और संगीत में होती है, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए उनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे कलीसियाई सभाओं में आकर बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन कलीसिया के लिए कुछ नहीं करते। वे पुत्र नहीं, बच्चे ही हैं। पवित्र आत्मा और प्रकाशन एक साथ में हम पढ़ते हैं, हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात हमारे पापों की क्षमा उसके कृपा के धन के अनुसार मिली है। ये कृपा का पहला भाग है, पापों की क्षमा। रोमियो 6:14 कृपा का एक दूसरा भाग है। 1:13 में हमें याद दिलाया गया है कि हम पर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। 1:14 में पवित्र आत्मा के दान का उल्लेख हमारे पूरे उत्तराधिकार की एक शपथ, एक गारंटी, एक अग्रिम राशि के रूप में किया गया है। अगर कोई 5 लाख रुपए की संपत्ति खरीद रहा हो तो वह 50,000 रुपए देकर बाकी की राशि का भुगतान अगले 3 महीने में करने का वादा कर सकता है। ये 10% राशि इस बात की गारंटी है कि वह तय किए गए समय के पूरा होने तक पूरी राशि का भुगतान करके उस संपत्ति को खरीद लेगा। परमेश्वर ने हमें खरीदा और ये फैसला किया कि एक दिन वो हमें पूरी तरह मसीह समान बना देगा। इस बात की गारंटी पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने हमें अभी एक नई देह नहीं दी है, उसने अभी हमारी देह में से शारीरिक लालसाओं को दूर नहीं किया है। हम ये कैसे पता करते हैं कि एक दिन ऐसा होना है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने की गारंटी के रूप में हमें पवित्र आत्मा दे दिया है। एक दिन वह मेरे मन को पूरी तरह से मसीह के मन की तरह बना देगा। पौलुस कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे विश्वास और प्रेम के बारे में सुना है और उसके लिए अब मैं निरंतर धन्यवाद देता हूँ। 1:16 पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों के लिए निरंतर धन्यवाद देता रहता था। वह आगे कहता है, हालांकि परमेश्वर ने ये एक अद्भुत काम किया है कि तुम में विश्वास और परमेश्वर के सब संतों के लिए प्रेम है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा कुछ और चाहता हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, अब तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दे। 1:17 प्रकाशन शब्द पर ध्यान दें। ये एक नई वाचा का शब्द है। पुरानी वाचा में व्यवस्था पर चिंतन मनन करने पर जोर दिया जाता था, भजन 1:2। लेकिन नई वाचा में वचन के ऊपर पवित्र आत्मा का प्रकाशन पाने पर जोर दिया गया है। पुरानी वाचा में जरूरी बात यह थी कि हम पवित्र शास्त्रों को जानें, लेकिन नई वाचा में जरूरी बात यह है कि हम स्वयं परमेश्वर को जानें। पौलुस आगे कहता है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारे हृदय की आंखें, मन की नहीं, ज्योतिर्मय हो। 1:18 नई वाचा में हमेशा हृदय पर जोर दिया गया है। पुरानी वाचा में ज्ञान के मस्तिष्क में प्रवेश करने पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब ज्योति के हृदय में प्रवेश करने पर जोर दिया जाता है। पुरानी वाचा में कुछ ऐसे लोग हुए जो हृदय वाले पुरुष थे। नीति वचन हृदय के बारे में बहुत बात करता है। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, लेकिन सामान्य तौर पर पुरानी वाचा के याजक और बाइबल के ज्ञानी हृदय वाले लोग नहीं थे। शास्त्रों के बौद्धिक अध्ययन ने ही ऐसे शास्त्री और फरीसी तैयार किए थे जिन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया था। अगर आप अपने पूरे जीवन भर शास्त्रों का अध्ययन करने में अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते रहेंगे और बाइबल का बहुत सा ज्ञान अर्जित कर लेंगे,
तो आप अंततः एक और शास्त्री और फरीसी बन जाएंगे। ये जरूरी है कि परमेश्वर के वचन का सत्य एक प्रकाशन बनने के लिए आपके मस्तिष्क में से होकर आपके हृदय में उतर जाए। मस्तिष्क और हृदय के बीच एक फुट जितनी दूरी का सफर तय करते ही सब उलट पुलट हो जाता है। पौलुस ने ये प्रार्थना की, उनके हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि वे ये देख सके। एक, परमेश्वर द्वारा उनकी बुलाहट में रखी आशा। दो, पवित्र लोगों में उसके उत्तराधिकार की महिमा का धन। और तीन, परमेश्वर के सामर्थ की वह महानता जो अब उनके लिए उपलब्ध थी। 1:18-19। पौलुस ने ये नहीं कहा कि इन सत्यों को समझने के लिए वे उसकी पत्री को 25 बार पढ़े। ये संभव था कि वे उसे 100 बार पढ़ लेते और फिर भी उसे न समझ पाते। उसने प्रार्थना की कि इन महान सत्यों पर उन्हें पवित्र आत्मा का प्रकाशन मिले। आप बाइबल के हर एक इब्रानी और यूनानी शब्द के मूल अर्थ का अध्ययन करने के बाद भी आत्मिक तौर पर पूरी तरह अंधे बन रह सकते हैं। और ये हो सकता है कि जैसा परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ठहराया है, आपको मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें पाने का या पवित्र और निर्दोष होने का एक भी अनुभव प्राप्त न हो सके। जब बाइबल पर आपको पवित्र आत्मा का प्रकाशन मिलता है, तब सब बदल जाता है। आप चाहे यूनानी भाषा न जाने, लेकिन आप मसीह को जानेंगे। आप मसीह में होंगे। आप बाइबल में रखे चेक परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं स्वर्ग के बैंक में ले जाकर उनका भुगतान करा सकेंगे और आत्मिक तौर पर एक धनवान व्यक्ति बन सकेंगे। इसलिए प्रकाशन के बिना कभी बाइबल का अध्ययन करने की कोशिश न करें। आपका बाइबल अध्ययन करने का उद्देश्य पवित्र आत्मा से प्रकाशन पाना होना चाहिए। जो भी हृदय से बढ़कर मस्तिष्क पर जोर दे रहा है, वो आपको भटका रहा है। मैं मन के इस्तेमाल के विरोध में नहीं हूँ। जब मैं अध्ययन या प्रचार करता हूँ, तो मैं अपने मन का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने अपने मन को पवित्र आत्मा का दास बना दिया है। बाइबल अध्ययन करते हुए हम पढ़ने के लिए पहले अपनी आंखों का, देह का इस्तेमाल करते हैं, फिर वचन हमारे मन में, जीव में जाता है। लेकिन फिर ये जरूरी है कि वचन हमारे जीव में से पार होकर हमारी आत्मा में जाए, जहाँ पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देता है। हम इसका चित्रण पुरानी वाचा के मिलाप वाले तंबू में देख सकते हैं, जिसके तीन भाग थे। उसका बाहरी आंगन हमारी देह का प्रतीक था, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते हैं। अगला भाग पवित्र स्थान था, जो हमारे जीव का प्रतीक था, जिसमें हम वचन को समझते हैं और उससे उत्तेजित होते हैं, यानी मन और भावना। फिर महापवित्र स्थान था, जो हमारी आत्मा का प्रतीक था, जहां परमेश्वर हमें उसके वचन का प्रकाशन देता है, जो हमें आज्ञा पालन की ओर ले जाता है। प्रकाशन मिलने पर ही हम ये कह सकते हैं, हमने वास्तव में परमेश्वर के वचन में से उसकी बात को सुना है। सिर्फ तभी हम परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि आपका सारा बाइबल अध्ययन पढ़ने और समझने से आगे बढ़कर प्रकाशन और आज्ञा पालन तक पहुंचे। यीशु की मृत्यु हुई और पर्दा बीच में से फट गया कि अब हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सके। इब्रानियों 10:20। फरीसी अपनी बाइबल पढ़ते थे और उसे समझते भी थे, लेकिन क्योंकि उस पर कोई प्रकाशन न मिलने की वजह से वे यीशु को बालजबुल, दुष्टात्माओं का सरदार मानते थे। लेकिन पत्रस को पवित्र शास्त्रों पर प्रकाशन मिला और उसने यीशु को परमेश्वर के पुत्र मसीह के रूप में देखा। पवित्र आत्मा चाहता है कि जिस आशा से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उस आशा को जानें।
एक बार जब आप ये आशा देख लेते हैं, तो संसार की सारी अशुद्धता के प्रति आपकी मनोदशा को बदल देगी। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। संसार के लोग जिन बातों को सुनने और पढ़ने के लिए अपने आप को आजाद महसूस करते हैं, हम वह नहीं सुनते और नहीं पढ़ सकते। एक ऑपरेशन कक्ष में एक शल्य चिकित्सक सर्जन के बारे में सोचिए, जो एक मरीज का ऑपरेशन करने वाला है। ये जरूरी है कि उसके हाथ बिल्कुल साफ और पूरी तरह कीटाणु रहित हो, वरना वह अपने हाथों के कीटाणुओं से अपने मरीज को मार सकता है। अगर एक कैंची जमीन पर गिर जाएगी तो वो उसे हाथ नहीं लगाएगा और न ही इस्तेमाल करेगा। हमारी आंखों से वो कैंची साफ नजर आ सकती है, लेकिन उसमें अशुद्धता है, क्योंकि उसमें जमीन के कीटाणु लग गए हैं। एक सच्चा मसीह ऐसे ही मनोवेग के साथ संसार में 100% शुद्धता के साथ जीना चाहता है। दूसरे लोग बहुत से सांसारिक भोग विलास में लिप्त रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया है और हमें उसे पूरा करना है। मसीही अगुवे क्योंकि ऐसी शुद्धता के साथ नहीं जीते, इसलिए वे अपने दूषित और अशुद्ध हृदयों से अपने झुंड को भी दूषित करते हैं, और वे जहां भी जाते हैं आत्मिक मृत्यु ले जाते हैं। क्या अब आप परमेश्वर की बुलाहट में रखी आपकी आशा देख सकते हैं? क्या आप संतों में उसकी विरासत की महिमा के धन को देख सकते हैं? ये हमारी स्वर्ग में रखी विरासत के बारे में नहीं है, लेकिन हम में रखी परमेश्वर की विरासत की बात है। परमेश्वर की हम में एक विरासत है, जी उठने की सामर्थ। क्या आपने प्रभु की उस सामर्थ की महानता को देख लिया है, जिसे वह हम में से प्रकट कर सकता है? परमेश्वर ने इस सारे विश्व में जो सबसे बड़ी सामर्थ प्रकट की है, वह सृष्टि के रचना में नहीं, यीशु के जी उठने में है। 1:20 सारे विश्व में जो हम देखते हैं, वह पहली पुरानी सृष्टि है। मसीह के जी उठने में दूसरी नई सृष्टि की रचना शुरू हो गई है। नई सृष्टि पुरानी सृष्टि से ज्यादा सामर्थी है। आप जो यूहन्ना अध्याय 20 में पढ़ते हैं, वो उत्पत्ति अध्याय 1 से ज्यादा सामर्थी है। मसीह का जी उठना इस पूरे विश्व में शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। नैतिक सामर्थ भौतिक सामर्थ से बढ़कर होती है। पौलुस ये प्रार्थना करता है कि हमें इस सच्चाई पर प्रकाशन मिले कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस सामर्थ का अनुभव पाए। वह चाहता है कि सामर्थ का अनुभव हमें पहले अपने भीतरी जीवन में हो, फिर हम एक दिन उसे अपनी देह में भी महसूस करेंगे। परमेश्वर का काम हमेशा भीतर से होता है। एक दिन हम मसीह के जी उठने की सामर्थ को अपनी देह में भी अनुभव करेंगे। आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसका अनुभव अपनी आत्माओं में करें। जी उठने की सामर्थ वह सामर्थ है जो हमें आत्मिक मृत्यु में से उबार लेगी। पाप की व्यवस्था हमें आत्मिक मृत्यु में नीचे घसीट ले जाती है। जी उठने की सामर्थ उस पर जय पाते हुए हमें ऊपर उठा लेती है। जी उठने की सामर्थ का हमें पाप की व्यवस्था से ऊपर उठा लेना ऐसा ही है जैसे मेरा एक पुस्तक पर काम कर रही गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जो उसे नीचे की ओर खींचती है, पर जय पाते हुए उसे ऊपर उठा लेना है। जी उठने की सामर्थ हमें स्वर्गीय स्थानों में ऊपर उठाती है। दूसरा अध्याय 1-6 में हम पढ़ते हैं कि जब हम अपने पापों में मरे हुए थे, तब इसी सामर्थ ने हमें ऊपर उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया। 2:6 कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये बातें एक काल्पनिक चित्रण के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यही सत्य है। अगर आप ये विश्वास नहीं करते कि ये सब सत्य है, तो आपको इनमें से किसी बात से कोई लाभ नहीं मिलेगा।
क्योंकि हमारे विश्वास के माप के अनुसार ही हमें मिलता है। हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर ही सच्चा ठहरे। हमारी सभी अनुभूतियां भरमाने वाली होती है। हमारा दर्शन भी हमें धोखा दे सकता है। दो लड़कों की एक कहानी है जिसमें वे सूर्यास्त होता हुआ देख रहे थे। बड़ा लड़का जो लगभग 12 साल का था कहने लगा, देखो सूर्य चलता है, सुबह वो पूर्व में था और अब वो पश्चिम में है। छोटा लड़का जो सिर्फ 6 साल का था उसने कहा, नहीं, याद करो कि पिताजी ने हमें क्या बताया था, सूर्य नहीं चलता लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बड़े लड़के ने कहा, मैं तो वही मानता हूँ जो मैं देखता और महसूस करता हूँ। मैंने सूर्य को पूर्व में देखा था और अब वो पश्चिम में है, और मैंने पृथ्वी को अपने पांव के नीचे घूमते हुए भी महसूस नहीं किया, वो रुकी हुई थी। छोटे लड़के ने कहा, मेरा भरोसा पिताजी की बात पर है। कौन सही था? वो जिसने अपने पिता की बात पर भरोसा किया या वो जिसने उस पर भरोसा किया जो उसने देखा और महसूस किया था? बहुत से मसीह भी उन बातों के अनुसार जीते हैं जो वे देखते और महसूस करते हैं, लेकिन हमारी अनुभूतियां हमें धोखा दे सकती है। इसलिए मैं अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करता हूँ। मुझे चाहे नजर न आए और महसूस न हो, लेकिन वह हमेशा सही होता है। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं मसीह में जी उठा हूँ और स्वर्गीय स्थानों में ऊंचा उठाया गया हूँ। मुझे ये परवाह नहीं कि मेरी अनुभूतियां मुझे क्या बताती है। मुझे पता है कि मेरी अनुभूतियां मेरी नजर की तरह ही धोखा देने वाली है। मैंने ये पाया है कि मैं जब उस बात पर भरोसा करता हूँ जो मेरे स्वर्गीय पिता ने कही है, तो मेरे जीवन में सब कुछ सही होता है। जब हम अपने स्वर्गीय पिता की बात नहीं सुनते, तब हम आगे जाकर बहुत सी मुश्किलों में फंस जाते हैं। हमें ये बताया गया है कि ये जी उठने की सामर्थ सबके लिए नहीं, लेकिन सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए ही उपलब्ध है। अगर आपका इस बात पर भरोसा नहीं है, तो आप इस सामर्थ का अनुभव नहीं कर सकेंगे। यीशु ने थोमा से कहा, धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा लेकिन फिर भी विश्वास किया है। यूहन्ना 20:29। मैं भी उनमें से एक हूं। मैं प्रेरितों से ज्यादा धन्य हूं क्योंकि मैंने यीशु को अपनी आंखों से देखे बिना ही उस पर विश्वास किया है। अगर आपका करोड़पति पिता जो आपसे प्रेम करता है आपसे एक दिन ये कहे कि मैंने तुम्हारे खाते में 10 लाख रुपए डाले हैं, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे या पहले बैंक में जाकर अपने खाते की जांच करेंगे? परमेश्वर कहता है, उसने मुझे मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया है। मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ। मैं अब इस पृथ्वी का नहीं हूँ। बहुत सालों तक मैं इस पृथ्वी का था, फिर एक दिन मेरे जीवन में ऐसा आया कि जिसमें मुझे ये समझ आ गया कि चाहे मेरी देह अभी पृथ्वी पर ही है, लेकिन मैं स्वर्ग का हूँ और अब मेरा मन स्वर्गीय बातों पर लगा हुआ है। इस वजह से ही मैं अब पृथ्वी की बातों और वस्तुओं के लिए संघर्ष नहीं करता। मैं इस बात के लिए भी संघर्ष नहीं करता कि लोग मेरी कलीसियाई मंडली में बने रहे। अगर किसी दिन कोई मुझसे ये कहे कि किसी प्रचारक ने मेरी मंडली के किसी भाई को प्रलोभित करके अपनी मंडली में शामिल कर लिया है, तो मैं यही कहूंगा, प्रभु की स्तुति हो, मैं इस बात के लिए किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। अगर वह किसी दूसरी कलीसिया की मंडली में जाकर खुश रहता है तो वही जाए। यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, इसलिए मेरे सेवक नहीं लड़ते। हम बहुत से विश्वासियों को पृथ्वी पर और कलीसियाओं में पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति के लिए लड़ते हुए देखते हैं। ऐसे विश्वासियों के मन पृथ्वी की बातों पर लगे हैं और वे
स्वर्गीय स्थानों में नहीं बैठे हैं। असल में वे अविश्वासी हैं, जो अपने मन में कुछ मसीही धर्म सिद्धांत रखे हुए हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा को ये अनुमति नहीं दी है कि वह उन्हें मसीह में स्वर्गीय स्थानों तक ऊंचा उठाए। इफिसियो अध्याय 1-3 मसीह जीवन की बुनियाद है। परमेश्वर हमें स्वर्गीय स्थानों तक ऊंचा उठाता है। हम ये स्वयं नहीं कर सकते। हम अपने आप को मृतकों में से जीवित नहीं कर सकते। यीशु ने भी अपने आप को स्वयं जीवित नहीं किया था। बाइबल यही कहती है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया था। यीशु ने ये कहा था कि वह अपने आप को मृतकों में से जीवित कर सकता है, यूहन्ना 10:18। लेकिन उसने उस अधिकार का कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने पिता को उसे जीवित करने दिया। बपतिस्मा में जब एक दूसरा व्यक्ति आपको पानी में नीचा करता है, डुबोता है, तो वही उसमें से ऊंचा करके बाहर भी निकालता है। आप अपने आप को ऊंचा नहीं उठाते। ये जी उठने की सामर्थ में परमेश्वर का हमें ऊंचा उठाने का प्रतीक है। जब हम अपने आप को क्रूसित किए जाने के लिए दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं, तब परमेश्वर हमें जिलाता है और स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है। उस स्वर्गीय दृष्टिकोण से पृथ्वी का सब कुछ बहुत छोटा नजर आता है। जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो हमें बड़ी बड़ी इमारतें खिलौने की इमारतों जैसी और बड़ी बड़ी कारें खिलौने की कारों जैसी नजर आती है। पृथ्वी की वस्तुएं आपको बहुत छोटी नजर आएगी, और जैसे आप एक खिलौने के कार के लिए नहीं लड़ेंगे, वैसे ही आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठने के बाद इन सब के लिए नहीं लड़ेंगे। पौलुस फिर हमारे उद्धार के बारे में बात करता है। हमारा उद्धार हमारे कर्मों द्वारा नहीं, विश्वास द्वारा है, 2:8। हालांकि वह हमारे कर्मों द्वारा नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने हमें मसीह में भले कामों के लिए सृजा है, 2:10। फिर अध्याय 2:11-12 में वो ये बताता है कि परमेश्वर कैसे हमें मसीह में एक देह बनाता है। यहूदी और यूनानी के बीच की दीवार गिर चुकी है। यीशु ने सूली पर मरने द्वारा यहूदी और गैर यहूदी के बीच के शत्रुता को मिटा दिया। दूसरा अध्याय 14-15। संसार में सभी जातियों की तुलना में यहूदियों और गैर यहूदियों में सबसे ज्यादा जातिगत विषमता है। ये भारत में पाई जाने वाली वर्ण व्यवस्था से भी ज्यादा बुरी है। लेकिन सूली पर यीशु ने इन्हें एक दूसरे से मिला दिया। उसने उनके बीच की शत्रुता को मिटा दिया। अगर आप मसीह में हैं, तो आपकी सभी जातियों से शत्रुता मिट जाती है। अगर आपकी अभी तक किसी के साथ ऐसी जातिगत शत्रुता है, तो आप मसीह के साथ सूली पर नहीं मरे हैं। वह हम सबको एक देह बनाना चाहता है। आप सिर्फ उसी विश्वास के साथ एक देह हो सकते हैं जिसका जीवन स्वर्गीय स्थानों में है। ऐसे लोगों की कलीसिया जिनके मन पृथ्वी की बातों पर लगे हैं, सिर्फ एक लोगों का समूह है, एक मंडली है। अगर लोगों को मसीह में एक देह होना है, तो आपको लोगों को मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रहने वाले बनाना होगा, 2:16। अध्याय 3 में पौलुस एक बड़े रहस्य की बात करता है। ये वह रहस्य है जो पुराने वाचा में प्रकट नहीं किया गया था कि यहूदी और गैर यहूदी एक हो जाएंगे, 3:4। ये कैसे होना है? इसका तरीका पवित्र आत्मा ने सिर्फ नई वाचा में ही प्रकट किया है। इफिसियों के पहले 3 अध्याय में 2 प्रार्थनाएं हैं। पहला अध्याय 17-23 पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशन प्राप्त करने की प्रार्थना है, और तीसरा अध्याय 14-21 पवित्र आत्मा से सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना है। हमें इन दोनों की जरूरत है। मसीह यीशु में हम क्या है ये देखने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाशन, और जिस जीवन का 4:6 में अब वर्णन किया जाने वाला है, वह जीने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ।
दूसरी प्रार्थना है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवान बनते जाओ कि विश्वास द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास कर सके। तीसरा अध्याय 16 और 17। इस पद के अंतिम भाग का अर्थ है कि मसीह को तुम्हारे हृदय में अपने घर में होने जैसा एहसास हो। हम सभी उस फर्क को जानते हैं जो किसी दूसरे के घर में रहने और एक ऐसे घर में रहने के बीच होता है जहां हमें अपने घर में होने जैसा एहसास होता है। कुछ घरों में रहते हुए हमें बेचैनी महसूस होती है, लेकिन कुछ घरों में उस घर के लोग हमें अपने घर में होने जैसा एहसास कराते हैं। इसी तरह यीशु आपके हृदय में रह रहा होगा, लेकिन सवाल यह है, क्या उसे अपने घर में होने जैसा एहसास हो रहा है, या वह ऐसे कुछ बातों से दुखी है जो आपके हृदय और घर में है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हृदय में यीशु को अपने घर में होने जैसा एहसास होता है। पवित्र आत्मा हमें भर देता है, परिपूर्ण करता है, ताकि मसीह हमारे भीतर बिल्कुल घर में होने जैसा महसूस कर सकता है, कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। 3:18। हम मसीह के प्रेम को अपने आप नहीं समझ सकते। हम परमेश्वर के सभी संतों के साथ मिलकर ही मसीह के प्रेम को उसके परिपूर्णता में समझ सकते हैं। पौलुस यह कहते हुए इस प्रार्थना को पूरा करता है कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक पूर्ण हो जाओ। 3:19। फिर तीसरा अध्याय 20:21 हमें बताता है कि जो हम कभी मांग नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते, हम परमेश्वर से उससे कहीं बढ़कर पाने की अपेक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए जो करना चाहता है वो हमारी कल्पना से बाहर की बात है।